तो ये तो था 12 राशियों का राशिफल। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे चातुर्मास में किन नियमों का करें पालन। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। चातुर्मास आरंभ हो चुका है। चातुर्मास यानी स्वास्थ्य और भक्ति के लिए निश्चित किए गए 4 महीने। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि चातुर्मास में आपको किन नियमों का पालन करना चाहिए। देवशयनी से एकादशी से लेकर के, यानी देवशयनी एकादशी से आरंभ कर देव प्रबोधिनी या हरि प्रबोधिनी एकादशी जिसे हम कहते हैं, इस बीच के जो 4 महीने होते हैं वह चातुर्मास कहलाते हैं। यह मूलतः वर्षा का मौसम होता है, बारिश की ऋतु होती है। शास्त्रों और ऋषियों ने यह समय भगवान और स्वयं पर ध्यान देने वाला बताया है। इन 4 महीनों में यात्रा या कृषि कर्म मुश्किल से होता था, सो इसे भक्ति के लिए माना गया था। बारिश के इन 4 महीनों में हम व्रत उपवास के नियम पालन अगर करते हैं और भगवान की भक्ति में लीन यदि रहें तो हमारा मन और तन दोनों ही स्वस्थ रहता है। चतुर्मास में बादलों के कारण सूर्य और चंद्रमा से मिलने वाली जो ऊर्जा है वह हम तक पूरी तरीके से नहीं हो पहुंच पाती, या यूं कहें कि वह क्षीण रूप में पहुंच पाती है। अधिक नमी वाले वातावरण के कारण हमारी पाचन क्रिया भी प्रभावित रहती है। भारतीय ऋषि मुनियों द्वारा व्रत में एक बार एक दिन छोड़ करके भोजन करने का विधान बताया गया, यानी एक दिन में एक बार व्रत करने का विधान बताया गया। आपने देखा होगा कि आपके परिवार में से बहुत लोग होंगे, बड़े बुजुर्ग, जो पूरे दिन में एक बार व्रत करते होंगे और ये नियम पूरे 4 मास तक रहता होगा। या फिर कुछ ऐसा लोग नियम करते हैं कि एक दिन छोड़ करके व्रत करते हैं, एक दिन पूरा व्रत, एक दिन अन्न खाना है, अन्न ग्रहण करना है, फिर उसके बाद अगले दिन व्रत। इस प्रक्रिया से भी इस चतुर्मास में व्रत किया जाता है, जिसके पीछे भी यही कारण है कि चतुर्मास में अधिक मेहनत करने के बाद भी व्यक्ति स्वस्थ बना रहे तो शारीरिक क्रियाओं का तालमेल भी उसके साथ बना रहना चाहिए। चतुर्मास की विशेषता है कि सभी धर्म के सभी मत इसे साधना काल मानते हैं, क्योंकि चतुर्मास में साधकों का लक्ष्य जप यानी लाख जप करना, भगवत स्मरण और पूजन अर्चन होता है। साधना काल होने से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन व पलंग पर शयन निषेध कहा गया है। शयन जो है वह निषेध बताया गया है। स्वास्थ्य के लिए यह सावधानी आवश्यक होती है। चौमासे के 4 माह कौन कौन से हैं, आइए ये भी जान लेते हैं। सबसे पहले श्रावण मास, भाद्रपद, आश्विन तथा कार्तिक, इनमें क्रमशः शाक सावन में आपको साग नहीं खाना चाहिए, फिर उसके बाद दूध और दही का सेवन निषेध होता है। आयुर्वेद में लिखा गया है कि चतुर्मास में पत्तेदार साग सब्जियों का उपयोग स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है। उसके सबसे प्रमुख कारण यही कि वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, उसमें नाना प्रकार के बैक्टीरिया और इन्फेक्शन भी होते हैं, और वर्षा के कारण बहुत सारे ऐसे भी साग हो जाते हैं जो हमारे लिए, मनुष्य के लिए ग्राह्य नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में हर प्रकार के साग सब्जियों का त्याग कर देना चाहिए। आइए अब जानते हैं चतुर्मास के 4 महीनों में किन नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे पहली चीज, जल में तिल और आंवले का मिश्रण अथवा बिल्वपत्र डाल करके स्नान करने से अपने में दोष का लेश मात्र भी कहीं अंश नहीं रह जाता। हमारे शरीर में जो भी दोष होगा, किसी भी प्रकार का दोष होगा, वह अंश मात्र भी कोई उसका प्रभाव हमारे जीवन में, हमारे शरीर में नहीं रह जाता। दूसरा उपाय यह है कि जल में बिल्वपत्र डाल करके ओम नमः शिवाय का 4 या 5 बार जप करके स्नान करने से विशेष लाभ मिलता है तथा वायु प्रकोप दूर होता है और स्वास्थ्य की रक्षा होती है। चतुर्मास में भगवान नारायण जो है वह जल में ही शयन करते हैं, अतः जल में भगवान विष्णु का अंश व्याप्त रहता है, इसलिए उस तेज से युक्त जल से स्नान करने से समस्त तीर्थों से भी अधिक फल प्राप्त होता है। तो चतुर्मास में जो है, जब भी आप स्नान करें, भगवान विष्णु का जल में ध्यान कर लें कि प्रभु आप जल में योग निद्रा में लीन है, हम आपका ध्यान कर रहे हैं और इस जल में आपका अंश विद्यमान है, यह सोच करके उस जल से स्नान करना चाहिए। ग्रहण के सिवाय के दिनों में संध्या काल में और रात को स्नान न करें, यानी चतुर्मास में यदि अगर ग्रहण लग रहा हो किसी अमावस्या पर या पूर्णिमा पर, तो सिर्फ उस दिन ग्रहण काल में आपको रात में या संध्या काल में स्नान करना चाहिए।
अन्यथा उसके अलावा चतुर्मास में आम दिनों में शाम के समय स्नान नहीं करना चाहिए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। हमारे धर्म शास्त्रों में आयुर्वेद में यहां तक कहा गया कि गर्म जल से भी इस समय में संध्या काल में या रात्रि काल में स्नान नहीं करना चाहिए। चतुर्मास सब गुणों से युक्त उत्कृष्ट समय होता है, उसमें श्रद्धा पूर्वक धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। धार्मिक अनुष्ठान आप अपनी श्रद्धा से करें। अगर मनुष्य चतुर्मास में भक्ति पूर्वक योग के अभ्यास से तत्पर न हुआ हो तो ऐसे में निसंदेह उसके हाथ से अमृत गिर गया ऐसा माना जाता है। यानी अगर इस समय का आपने लाभ नहीं लिया, जैसा भी आपके सामर्थ्य हो, जैसा भी आप कर सकते हो, पूजा पाठ धर्म कर्म आपको करना चाहिए। अगर आप ना कर पाए तो ऐसा मानते हैं कि आपके हाथ में अमृत कलश था और आप उसे छोड़ देते हैं, आपके हाथ से वह गिर गया, तो इतने बहुमूल्य इतने उत्तम समय को मिस नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान मनुष्य को सदैव मन को संयम में रख करके पुरातन ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए, यानी हमारे धर्म शास्त्रों का जो ज्ञान है इस समय में आपको उसकी प्राप्ति करनी चाहिए। आप अपना चिंतन मनन भी कर सकते हैं। चतुर्मास में परद्रव्य का अपहरण और पर स्त्री ग्रमण आदि कर्म सब मनुष्य के लिए वर्जित बताए गए हैं। चतुर्मास में जीवों पर दया तथा अन्न जल व गौओं का दान, रोज वेद पाठ करना और हवन करना, ये सब सारे कार्य जो है वह महान फल देने वाले बताए गए हैं। तो अन्न वस्त्र का आप दान कर सकते हैं, गौओं का दान कर सकते हैं, वेद पाठ और यज्ञ हवन कर सकते हैं, ये सबसे सर्वोत्तम बताए गए हैं। अन्न शत्रुओं को भी देना इस समय में मना नहीं किया गया है और आप किसी भी समय दान कर सकते हैं। यानी चतुर्मास के समय में दान किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति को किया जा सकता है। दीनहीन की तो बात छोड़ दीजिए, शत्रु को भी दान करना इस समय में मना नहीं किया गया है। तो आप इस समय में आप किसी का भी उपकार कर सकते हैं अन्न दान के माध्यम से। चतुर्मास में धर्म का पालन करना, सत्पुरुषों की सेवा, संतों के दर्शन, सत्संग श्रवण करना, भगवान विष्णु का पूजन और दान में अनुराग दुर्लभ होता है, तो इस समय का पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। इस चार माह में जितनी ज्यादा से ज्यादा आप तपश्चर्या कर सकते हो, अपने व्यस्त जीवन से थोड़ा सा समय निकाल करके, जैसा भी आपका सामर्थ्य हो, भगवान श्री हरि, भगवान श्री विष्णु और महादेव की पूजा आराधना साधना का यह बहुत प्रमुख और बहुत विशेष काल होता है। अभी